हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू नॉट स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं कुर्ती की स्लीव्स का एक सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसे आप ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 इंच का एक स्क्वायर पीस लिया है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके ट्रायंगल बनाएंगे। अब हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे जो इससे थोड़ा सा छोटा होगा, और इस तरीके से हम इस ट्रायंगल से थोड़ा सा नीचे यानी आधा इंच नीचे की तरफ इसे रख देंगे। और अब एक और ट्रायंगल बनाएंगे जिसे कि हम इस ट्रायंगल से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से हम तीनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अब नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल मैंने बना दिया है और अब हम इसके साइड में लेस लगाएंगे। तो इस तरह की कोई भी बारीक लेस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेस अटैच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ट्रायंगल वाला जो फैब्रिक है उसे खींचना नहीं है। खींच कर लेस लगाने से इसमें बल पड़ सकते हैं, जिससे कि बनने के बाद डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ पर कोई भी बारीक लेस लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस इसके साइड में नहीं लगेगी। तो इसी तरह से मैंने सभी ट्रायंगल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने तकरीबन 5 ट्रायंगल्स बनाए हैं। अब कपड़े की एक पट्टी ली है मैंने, जिसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई मैंने 18 इंच ली है। अब इस पट्टी को हम बीच में से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे। अब इसके सेंटर में ट्रायंगल को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे। एक ट्रायंगल बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और फिर हम बाकी के ट्रायंगल्स को प्लेस करेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ये पट्टी थोड़ी सी लंबी ली है, क्योंकि मैं बेल स्लीव्स बना रही हूँ। अगर आप सिंपल स्लीव्स बना रहे हैं तो ट्रायंगल्स थोड़े से छोटे रखिएगा। तो इस तरह से सभी ट्रायंगल्स को अच्छे से अटैच करने के बाद हम पट्टी की दूसरी किनारी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से सिलने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर एक डबल एचिंग वाली लेस लगाएंगे। इस तरह की डबल एच वाली लेसेस आपको बहुत सारे कलर्स और पैटर्न्स में मिल जाएंगी। तो इस तरीके से इस लेस को बिल्कुल अच्छे से अटैच कर लेना है। और अब हम इस पट्टी को स्लीव्स के ऊपर अटैच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड पर हम पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और इस लेस की किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और बाजू का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग वाली सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है और बेल वाली स्लीव हमारी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। आप चाहे तो ये डिज़ाइन सिंपल बाजू पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपल बाजू पर ये डिज़ाइन बनाना है तो आप ट्रायंगल्स थोड़े से छोटे बनाइएगा। इसी डिज़ाइन को आप अपने कमीज़ के घेरे और ट्राउज़र के पोंचे पर भी बना सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।